वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतह। मंचस्थ सभी महानुभाव, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी देवियों और सज्जनों और वर्चुअली दुनिया भर से जुड़े हुए सभी महानुभाव, गुरु तेग बहादुर साहब के 400वें प्रकाश पर्व को समर्पित इस भव्य आयोजन में मैं आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं। अभी शबद कीर्तन सुनकर जो शांति मिली वो शब्दों में अभिव्यक्त करना मुश्किल है। आज मुझे गुरु को समर्पित स्मारक डाक टिकट और सिक्के के विमोचन का भी सौभाग्य मिला है। मैं इसे हमारे गुरुओं की विशेष कृपा मानता हूं। इसके पहले 2019 में हमें गुरु नानक देव जी का 550वां प्रकाश पर्व और 2017 में गुरु गोविंद सिंह जी का 350वां प्रकाश पर्व मनाने का भी सौभाग्य मिला था। मुझे खुशी है कि आज हमारा देश पूरी निष्ठा के साथ हमारे गुरुओं के आदर्शों पर आगे बढ़ रहा है। मैं इस पुण्य अवसर पर सभी 10 गुरुओं के चरणों में आदरपूर्वक नमन करता हूं। आप सभी को, सभी देशवासियों को और पूरी दुनिया में गुरुवाणी में आस्था रखने वाले सभी लोगों को मैं प्रकाश पर्व की हार्दिक बधाई देता हूं। साथियों, ये लाल किला कितने ही अहम कालखंडों का साक्षी रहा। इस किले ने गुरु तेग बहादुर साहब की शहादत को भी देखा है और देश के लिए मर मिटने वाले लोगों के हौसले को भी परखा है। आजादी के बाद के 75 वर्षों में भारत के कितने ही सपनों की गूंज यहां से प्रतिध्वनित हुई है। इसलिए आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान लाल किले पर हो रहा यह आयोजन बहुत विशेष हो गया है। साथियों, हम आज जहां हैं, अपने लाखों करोड़ों स्वाधीनता सेनानियों के त्याग और बलिदान के कारण है। आजाद हिंदुस्तान, अपने फैसले खुद करने वाला हिंदुस्तान, लोकतांत्रिक हिंदुस्तान दुनिया में परोपकार का संदेश पहुंचाने वाला हिंदुस्तान, ऐसे हिंदुस्तान के सपने को पूरा होते देखने के लिए कोटि कोटि लोगों ने खुद को खपा दिया। ये भारत भूमि सिर्फ एक देश नहीं है, बल्कि हमारी महान विरासत है, महान परंपरा है। इसे हमारे ऋषियों, मुनियों, गुरुओं ने सैकड़ों हजारों सालों की तपस्या से सींचा है, उसके विचारों से समृद्ध किया है। इसी परंपरा के सम्मान के लिए
उसकी पहचान की रक्षा के लिए दसों गुरुओं ने अपना जीवन समर्पित कर दिया था। इसलिए साथियों, सैकड़ों काल की गुलामी से मुक्ति को, भारत की आजादी को, भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक यात्रा से अलग करके नहीं देखा जा सकता। इसलिए आज देश आजादी के अमृत महोत्सव को और गुरु तेग बहादुर साहब के 400वें प्रकाश पर्व को एक साथ मना रहा है, एक जैसे संकल्पों के साथ मना रहा है। साथियों, हमारे गुरुओं ने हमेशा ज्ञान और अध्यात्म के साथ ही समाज और संस्कृति की जिम्मेदारी उठाई। उन्होंने शक्ति को सेवा का माध्यम बनाया। जब गुरु तेग बहादुर साहब का जन्म हुआ था तो गुरु पिता ने कहा था, दिन रक्ष संकट हरण, दिन रक्ष संकट हरण, यानी ये बालक एक महान आत्मा है, ये दिन दुखियों की रक्षा करने वाला, संकट को हरने वाला है। इसलिए श्री हरगोविंद साहब ने उनका नाम त्यागमल रखा। यही त्याग गुरु तेग बहादुर साहब ने अपने जीवन में चरितार्थ भी करके दिखाया। गुरु गोविंद सिंह जी ने तो उनके बारे में लिखा है, तेग बहादुर सिमरिए घर नौ निधि आवे धाई, सब थाई होई सहाय। अर्थात गुरु तेग बहादुर जी के स्मरण से ही सभी सिद्धियां अपने आप प्रकट होने लगती हैं। गुरु तेग बहादुर जी का ऐसा अद्भुत आध्यात्मिक व्यक्तित्व था, वो ऐसी विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। साथियों, यहां लाल किले के पास, यहीं पर गुरु तेग बहादुर जी के अमर बलिदान का प्रतीक गुरुद्वारा शीशगंज साहब भी है। ये पवित्र गुरुद्वारा हमें याद दिलाता है कि हमारी महान संस्कृति की रक्षा के लिए गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान कितना बड़ा था। उस समय देश में मजहबी कट्टरता की आंधी आई थी, धर्म को दर्शन, विज्ञान और आत्मशोध का विषय मानने वाले हमारे हिंदुस्तान के सामने ऐसे लोग थे जिन्होंने धर्म के नाम पर हिंसा और अत्याचार की पराकाष्ठा कर दी थी। उस समय भारत को अपनी पहचान बचाने के लिए एक बड़ी उम्मीद गुरु तेग बहादुर साहब के रूप में दिखी थी। औरंगजेब की आततायी सोच के सामने उस समय गुरु तेग बहादुर जी हिंद दी चादर बनकर, एक चट्टान बनकर खड़े हो गए थे। इतिहास गवाह है कि वर्तमान समय गवाह है और ये लाल किला भी गवाह है कि औरंगजेब और उसके जैसे अत्याचारियों ने भले ही अनेकों सिरों को धड़ से अलग करा, लेकिन हमारी आस्था को वो हमें हमसे अलग नहीं कर सका। गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान ने भारत की अनेकों पीढ़ियों को अपनी संस्कृति की मर्यादा की रक्षा के लिए, उसके मान सम्मान के लिए जीने और मर मिट जाने की प्रेरणा दी है। बड़ी बड़ी सत्ताएं मिट गई,
बड़े बड़े तूफान शांत हो गए, लेकिन भारत आज भी अमर खड़ा है, भारत आगे बढ़ रहा है। आज एक बार फिर दुनिया भारत की तरफ देख रही है, मानवता के मार्ग पर पथ प्रदर्शन की उम्मीद कर रही है। गुरु तेग बहादुर जी का आशीर्वाद हम नए भारत के आभा मंडल में हर और महसूस कर सकते हैं। भाइयों और बहनों, हमारे यहां हर कालखंड में जब जब नई चुनौतियां खड़ी होती है तो कोई न कोई महान आत्मा इस पुरातन देश को नए रास्ते दिखाकर दिशा देती है। भारत का हर क्षेत्र, हर कोना हमारे गुरुओं के प्रभाव और ज्ञान से रोशन रहा है। गुरु नानक देव जी ने पूरे देश को एक सूत्र में पिरोया। गुरु तेग बहादुर जी के अनुयायी हर तरफ हुए, पटना में पटना साहिब और दिल्ली में रकाबगंज साहिब, हमें हर जगह गुरुओं के ज्ञान और आशीर्वाद के रूप में एक भारत के दर्शन होते हैं। भाइयों और बहनों, मैं अपनी सरकार का सौभाग्य मानता हूं कि उसे गुरुओं की सेवा के लिए इतना कुछ करने का अवसर मिल रहा है। पिछले वर्ष ही हमारी सरकार ने साहिब जादों के महान बलिदान की स्मृति में 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाने का निर्णय किया है। सिख परंपरा के तीर्थों को जोड़ने के लिए भी हमारी सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। जिस करतारपुर साहिब कॉरिडोर की दशकों से प्रतीक्षा की जा रही थी, उसका निर्माण करके हमारी सरकार ने गुरु सेवा के लिए अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है। हमारी सरकार ने पटना साहिब समेत गुरु गोविंद सिंह जी से जुड़े स्थानों पर रेल सुविधाओं का आधुनिकीकरण भी किया है। हम स्वदेश दर्शन योजना के जरिए पंजाब में आनंदपुर साहब और अमृतसर में अमृतसर साहब समेत सभी प्रमुख स्थानों को जोड़कर एक तीर्थ सर्किट भी बना रहे हैं। उत्तराखंड में हेमकुंड साहब के लिए रोपवे बनाने का काम अभी आगे बढ़ रहा है। साथियों, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी हमारे लिए आत्म कल्याण के पथ प्रदर्शक के साथ साथ भारत की विविधता और एकता का जीवंत स्वरूप भी है। इसलिए जब अफगानिस्तान में संकट पैदा होता है, हमारे पवित्र गुरु ग्रंथ साहब के स्वरूपों को लाने का प्रश्न खड़ा होता है, तो भारत सरकार पूरी ताकत लगा देती है। हम न केवल गुरु ग्रंथ साहब के स्वरूप को पूरे सम्मान के साथ शीर्ष पर रखकर लाते हैं, बल्कि संकट में फंसे अपने सिख भाइयों को भी बचाते हैं। नागरिकता संशोधन कानून ने पड़ोसी देशों से आए सिख और अल्पसंख्यक परिवारों को देश की नागरिकता मिलने का रास्ता साफ किया है। ये सब इसलिए संभव हुआ है क्योंकि हमारे गुरुओं ने हमें मानवता को सर्वोपरि रखने की सीख दी है। प्रेम और सौहार्द हमारे संस्कारों का हिस्सा है। साथियों, हमारे गुरु की वाणी है, भय काहू को देत नहीं, भय काहू को देत नहीं, नहीं भय मानत आन, कह नानक सुने रे मना, ज्ञानी ताही बखानी। अर्थात ज्ञानी वही है जो न किसी को डराए और न किसी से डरे। भारत ने कभी किसी देश या समाज के लिए खतरा नहीं पैदा किया। आज भी हम
पूरे विश्व के कल्याण के लिए सोचते हैं, एक ही कामना करते हैं। हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो उसमें पूरे विश्व की प्रगति लक्ष्य का सामने रख करके हम करते हैं। भारत विश्व में योग का प्रसार करता है तो पूरे विश्व के स्वास्थ्य और शांति की कामना से करता है। कल ही मैं गुजरात से लौटा हूं, वहां विश्व स्वास्थ्य संगठन के पारंपरिक चिकित्सा के ग्लोबल सेंटर का उद्घाटन हुआ है। अब भारत विश्व के कोने कोने तक पारंपरिक चिकित्सा का लाभ पहुंचाएगा, लोगों के स्वास्थ्य को सुधारने में अहम भूमिका निभाएगा। साथियों, आज का भारत वैश्विक द्वंद्वों के बीच भी पूरी स्थिरता के साथ शांति के लिए प्रयास करता है, काम करता है। और भारत अपनी देश की रक्षा सुरक्षा के लिए भी आज उतनी ही दृढ़ता से अटल है। हमारे सामने गुरुओं की दी गई हुई महान सिख परंपरा है। पुरानी सोच, पुरानी रूढ़ियों को किनारे हटाकर गुरुओं ने नए विचार सामने रखे, उनके शिष्यों ने उन्हें अपनाया, उन्हें सीखा। नई सोच का ये सामाजिक अभियान एक वैचारिक इनोवेशन था, इसलिए नई सोच, सतत परिश्रम और शत प्रतिशत समर्पण, ये आज भी हमारे सिख समाज की पहचान है। आजादी के अमृत महोत्सव में आज देश का भी यही संकल्प है। हमें अपनी पहचान पर गर्व करना है, हमें लोकल पर गर्व करना है, आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हमें एक ऐसा भारत बनाना है जिसका सामर्थ्य दुनिया देखे, जो दुनिया को नई ऊंचाई पर ले जाए। देश का विकास, देश की तेज प्रगति, ये हम सबका कर्तव्य है। इसके लिए सबके प्रयास की जरूरत है। मुझे पूरा भरोसा है कि गुरुओं के आशीर्वाद से भारत अपने गौरव के शिखर तक पहुंचेगा। जब हम आजादी के 100 साल मनाएंगे तो एक नया भारत हमारे सामने होगा। गुरु तेग बहादुर जी कहते थे, साधो साधो गोविंद के गुण गाओ, मानस जन्म अमोल कपायो, व्यर्था काहे गवाऊं। इसी भावना के साथ हमें अपने जीवन का प्रत्येक क्षण देश के लिए लगाना है, देश के लिए समर्पित कर देना है। हम सभी मिलकर देश को विकास की नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। इसी विश्वास के साथ आप सभी को एक बार फिर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। वाहे गुरु जी का खालसा फतेह।